जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश के लिए जो शौर्य पुरस्कार हैं उनसे जुड़ी हुई क्लास है, और ये हिमाचल पुलिस और पटवारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, और जो कि हमारे टैट के लिए हिमाचल प्रदेश के उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, मगर ज्यादा कर ये हिमाचल पुलिस और पटवारी में जो है वो पूछे जाने वाले क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं, और HPPSC के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये काम आएंगे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो क्लास में आज क्या रहेगा खास, वो है शौर्य पुरस्कार। तो सबसे पहला जो है शौर्य पुरस्कार से जो जुड़ा हुआ सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कई सैनिकों को जो है वो बहादुरी पदक प्राप्त हो चुके हैं, बहुत से सैनिक हैं, जिसमें से जैसे कि आप बताएं तो 2 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए गए हैं, 2 व्यक्तियों ने किए हैं, 4 व्यक्तियों ने परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं, 1 ने अशोक चक्र और 15 ने महावीर जो है वो चक्र, और 70 से करीब जो है वो वीर चक्र भी प्राप्त किए हैं। और भी नए नए करंट इश्यूज में बनते जा रहे हैं क्वेश्चंस, ये जो हमने उठाए हैं आंकड़े ये लास्ट ईयर के यानी कि 2023 तक के आंकड़े हैं, और भी अपडेटेड के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए पहला आ जाता है विक्टोरिया क्रॉस विजेता। विक्टोरिया क्रॉस विजेता यानी कि भोरंज तहसील है ये हमीरपुर जिले की, वहां पर थे जमादार लाला राम, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन क्या बनता है कि हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो पहले व्यक्ति बताइए जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस जो है विजेता बने हैं, तो वो हैं जमादार लाला राम। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी तहसील से हैं, तो ये है भोरंज तहसील जो कि हमीरपुर जिला में आती है। इन्होंने 1914 से लेकर 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये दर्शाई गई है इनकी वीरता, उस वीरता के ऊपर जो है ये इनको पुरस्कार जो है यानी कि शौर्य पुरस्कार दिया गया था, और हिमाचल के ये पहले व्यक्ति थे। इसी प्रकार से घुमार भी बिलासपुर में आता है, यहां से मेजर जनरल थे भंडारी राम। कौन थे? मेजर जनरल भंडारी राम। ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस विजेता यानी कि विक्टोरिया क्रॉस मिला है, और ये पुरस्कार 1939 से 45 यानी कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है शौर्य का परचम दिखाया, और इन्होंने जो है इसी बात पर जो है इन्हें विक्टोरिया क्रॉस जो है वो क्रॉस जो है पदक जो है वो दिया गया। इसी प्रकार से परमवीर चक्र की बात करते हैं तो कांगड़ा के हैं पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें पहला यानी कि हिमाचल का नहीं भारत का पहला परमवीर चक्र जो है वो दिया गया है, और ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद दिया जाता है, उसको बोलते हैं मरणोपरांत। ये मेजर सोमनाथ शर्मा ने 3 नवंबर 1947 को जो है कश्मीर ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर शहर और हवाई अड्डे को जो है पाकिस्तानी आक्रमण से बचाने के खातिर जो है अपना बलिदान दे दिया, और वे 4 कमाऊ रेजिमेंट के जो से जो है वो संबंधित थे या वहां पर जॉब करते थे, तो ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट आता है गोरखा राइफल्स, इनके हैं कैप्टन धन सिंह थापा। इन्हें अक्टूबर 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया मतलब साहस दिखाया, उस वजह से इन्हें परमवीर चक्र दिया गया है, और वे जो है शिमला जिले से संबंधित थे। कहां के रहने वाले थे? ये शिमला जिले से रहने वाले थे, और ये जीवित यानी कि व्यक्ति जीवित रह गया था, परमवीर चक्र जो है इन्हें मिला है। और इसके बाद आता है कांगड़ा के कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा साहस से
वो लड़े हैं और उन्हें शौर्य दिखाया और इन्हें मरणोपरांत जो है पुरस्कार दिया गया है और ये पालमपुर कांगड़ा के रहने वाले हैं। इसी प्रकार से तीसरे हैं हमारे बिलासपुर के राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार जो थे 1999 में कारगिल युद्ध के जो है ऑपरेशन विजय के दौरान, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध का जो है वो क्या नाम रखा था, तो ऑपरेशन विजय रखा था। उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है परिचय दिया युद्ध में और परमवीर चक्र जो है इनको दिया गया और ये जीवित रहते हुए इन्हें सम्मान दिया गया है। कईयों को तो मरण उपरांत दिया मगर इनको जीवित रहते ही परमवीर चक्र का जो है वो सम्मान मिला है। इसी प्रकार से आज हम और आगे कंटिन्यू करेंगे महावीर चक्र। ये इंदौरा के हैं, नूरपुर से रहने वाले, कांगड़ा के हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं और इन्होंने, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें महावीर चक्र मिला है और पुरस्कार ये 1948 में इन्होंने बहुत ही बहादुरी का शानदार प्रदर्शन किया और ये जो संबंधित हैं ये तीन गढ़वाल राइफल से संबंधित हैं। किसमें जॉब करते थे? गढ़वाल राइफल्स में। नेक्स्ट आता है वीर चक्र विजेता, लाहौल स्पीति से जुड़े हुए हैं हवलदार तोपगे। हवलदार तोपगे जो हैं इन्हें पहला वीर चक्र मिला है और ये पुरस्कार 1948 में इन्होंने जो है बहुत बढ़िया साहस दिखाया, ठीक है जी, और ये 8 डोगरा रेजिमेंट में जो है वो जॉब करते थे, उससे संबंधित थे। नेक्स्ट आता है परम विशिष्ट सेवा पदक जो है कांगड़ा के वीएन शर्मा, एकमात्र हिमाचली हैं जो कि भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष भी रहे हैं वीएन शर्मा। वे इस पदक पर जो है 1988 से 90 तक रहे और परम विशिष्ट सेवा पदक से प्रदान किया गया और उन्हें ये पदक जो है 1977 में जो है वो प्रदान किया गया था 1977 में। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि एनसीसी बिलासपुर में है, ये नौसेना राष्ट्रीय क्रेडिट कॉल्स एनसीसी की शाखा और 1963 में स्थापित की गई थी। नौसेना की नेकी नेवी का बोल सकते हैं, यानी कि एनसीसी का हिमाचल का एकमात्र शाखा है ये। तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एनसीसी की एकमात्र हिमाचल की जो शाखा है वो कहां पर है, तो वो आएगा बिलासपुर, इसका आंसर रहेगा। विक्ट्री टनल, ये कहां पर है? विक्ट्री टनल सुरंग है, इसका निर्माण 1945 में किया गया था और ये सुरंग मित्र राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त की गई या प्राप्त में जो है कि याद में जो है उस वक्त की याद में जो है ये याद बनाई गई थी। और एक होता है मिलिट्री स्कूल जो कि सोलन के चायल में है, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बोलते हैं आरएमएस। नेक्स्ट आता है पुलिस, तो पुलिस के लिए हम बता देता हूं आपको, कांगड़ा के ड्रो में पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय है, यानी कि ट्रेनिंग स्कूल है। ये पहला शिमला जिले के जुंगा में स्थित था और 1994 में ये ड्रो में कार्य करने लग पड़ा, यानी कि ड्रो में ट्रांसफर कर दिया और गोरखा सिपाहियों को जो प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र आज भी वहीं पे ही चल रहा है। कहां पर? सवाथू में, और सबका जो है ड्रो में लेकर आए हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख जो है डीजीपी या आईजीपी या डीजीपी जो है वो कहलाते हैं और हिमाचल प्रदेश के पहले जो आईजीपी थे वो श्री आर चौधरी थे या श्री एस आर चौधरी। श्री गंगवीर सिंह,
राष्ट्रपति पदक जीतने वाले पहले हिमाचली आईजीपी थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, और 1984 में इन्हें प्राप्त हुआ है। और ये किन्नौर के जिला किन्नौर के ओम प्रकाश राठौर को संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है महासचिव का जो है पुलिस सलाहकार रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ था। और ये प्राप्त करने वाले पहले एशियाई भी व्यक्ति रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आगे, ये वन लाइनर की फॉर्म में है जो कि हमारे नई क्लासेस में यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में हम लगाएंगे वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि इस प्रकार से रहेंगे और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।